हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ड्रीम मेकओवर। तो आज की वीडियो में हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने करा है ओमरे नेल आर्ट, अपने ही हाथ पे मैंने करवाया है ओमरे नेल आर्ट। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होने वाला है कि हमेशा हम जेल पॉलिश के साथ ओमरे बनाते हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक के साथ। और जेल पॉलिश का कोई यूज़ नहीं होगा आज की वीडियो में, सिर्फ हम यूज़ करेंगे एक्रेलिक। एक्रेलिक से ही हम अपने नेल टिप बनाएंगे, नेल एक्सटेंशन लगाएंगे परमानेंट, और उसी से हम जो है अपना यहाँ पे ओमरे इफेक्ट भी देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले हम जब भी टिप वगैरह लगाते हैं तो आपको अपने पहले जो नेल्स है उनको करना होता है ब्लो अप, उनकी जो क्यूटिकल्स है उनको पुश करना होता है, और जो आपके जो नेल्स है उस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जो आपका नेल है वो बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पे पहले ब्लो अप करेंगे और नेल्स की शेप भी बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं टिप। टिप आपको लगानी है, ग्लू लेनी है और टिप आपको यहाँ पे लगानी है। जब भी हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमें हमेशा सी कट की जो हमारी टिप होती है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो हमारी टिप होती है सिर्फ हाफ नेल्स पर ही लगती है, और बाकी जो हम अपना एक बिल्डर बनाते हैं वो हम करते हैं एक्रेलिक के साथ या फिर जेल के साथ। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्रेलिक का यूज कर रहे हैं आज हम। और जब भी आप नेल्स पर काम करते हैं तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपके नेल्स हमेशा ड्राई ही होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे टिप लगाई है, तो टिप लगाने के बाद आपको जो आपके नेल्स हैं उसको भी ड्राई करना है, और टिप जो आपने लगाई है उसको भी ड्राई करना है। तो टिप लगाने के बाद आपको ग्लो अप जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो हमारा पीछे नेल है, जो हमारा रियल नेल है, उस पर मैंने यहाँ पे लगाया था डिहाइड्रेटर, ताकि जो हमारा बिल्कुल भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए नेल्स पे से। और अब हम यहाँ पे अपना जो नेल आर्ट है, जो हमारा ओमरे इफेक्ट है, हम देने वाले एक्रेलिक के साथ, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोनोमर हमने यहाँ पे यूज किया है, मोनोमर, और जो हमारे एक्रेलिक पाउडर आता है, एक्रेलिक पाउडर हमारा सब कलर में आता है, काफी सारे कलर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है मुझे ओमरे करना था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन और पिंक का मैंने यहाँ पे शेड लिया है, ग्रीन पिंक और येलो, तीन कलर मैंने लिया है यहाँ पे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, तीन नेल्स पे मैंने ग्रीन और पिंक लिया है, और दो नेल्स पे येलो और पिंक है। ऊपर हमने सिर्फ पिंक ही दिया है, पिंक का इफेक्ट है, और नीचे हमने चेंज करा है नीचे की साइड। तो जैसे आप बिल्डर बनाते हैं, जब आप नेल टिप लगाते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अपना एक्रेलिक का यूज करना है। ब्रश का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रश का कैसे चलाते हैं। ब्रश जब भी आप चला रहे हैं हमेशा थोड़ा लिटा के चलाएं, मतलब उसको फ्लैट करके चलाएं, और लास्ट में करने के साथ साथ मोनोमर का यूज करते रहे, ताकि आपके ब्रश जो है वो चिपके ना, प्रोडक्ट जो है आपका चिपके ना। यहाँ पे जब भी हम एक्रेलिक के साथ काम करते हैं तो थोड़ा फास्ट काम करना होता है, क्योंकि फास्ट काम आप नहीं करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो एकदम ड्राई हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट फास्ट काम करना होता है जब भी आप एक्रेलिक का काम करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है आपको इसमें, और आप जो है इसमें साथ साथ शेप बनाते चलते हैं अपने ब्रश से ही। आप स्टार्टिंग में ब्रश के साथ ही शेप बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बाद में बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है कि आप ब्लॉब अप करके और नेल फाइलर वगैरह वो सब यूज़ करके आप करते हैं एमली बोर्ड का, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ ब्रश के साथ ही थोड़ा अपने जो एक्रेलिक है उसको एक शेप देते चले नेल्स की तरह। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको दो नेल्स बना के दिखाया है, बाकी सब नेल्स पे हमें ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद हमें अपनी सभी नेल्स को करना है ड्रिल। जो भी हमारा आपको लग रहा है कि हमारी जो शेप है वो थोड़ी ऊपर नीचे है, एकदम इक्वल शेप नहीं आ रही है, जो हमारा कर्व आना चाहिए नेल्स में वो नहीं आ रहा है, तो वो सब एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है आप उसको ड्रिल कर देंगे। ड्रिल भी कर सकते हैं, एमरी बोर्ड से भी आपको यूज कर सकते हैं, अगर ड्रिल का आप नहीं यूज कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है, आप किसी से भी कर सकते हैं। और एमरी बोर्ड से जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो क्लियर करने के बाद आपको ब्लो अप जरूर करना है, क्योंकि ब्लो अप से हमारे जो नेल्स है बिल्कुल एक प्लान हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी डन टन बम्प्स नहीं रहते हैं। तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपके जो शेप है और बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई जैसे हो जाता है ना कि गैप रह जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए, जब भी आपके नेल्स जो है बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने बिल्कुल वाइप करके अपने नेल्स को, और यहाँ पे हमने लगाया है लास्ट में अपना टॉप कोट। तो टॉप कोट को क्योर करना है, आप कर सकते हैं 60 सेकंड से 80 सेकंड तक आप क्योर करेंगे, और उसके बाद आपको ये फाइनल लुक आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।